हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बढ़िया नाश्ता जो कि आपके शरीर को एनर्जी तो देगा ही, साथ में आपके लिए बहुत ही लाभदायक भी होगा। हाँ फ्रेंड, जो नाश्ता आज मैं बनाने जा रही हूँ वह सर्दियों के लिए काफी लाभदायक है। इस नाश्ते को बनाने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि इनके लिए हमें किस किन किन इंग्रेडिएंट की जरूरत होगी। जो भी आपके घर में ड्राई फ्रूट हो वही आप इसमें यूज कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने इसके लिए लिए हुए हैं अखरोट। तो फ्रेंड्स, ये मैंने लिया हुआ है ओट्स, जिसे कि आप सुबह के नाश्ते में अगर खाएंगे तो यह आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद होगा। और ये मैंने लिए हुए हैं बादाम, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इन्हें अगर आप खाओगे तो आपकी याददाश्त तो तेज रहेगी ही, साथ में आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी। और फ्रेंड्स, ये मैंने काजू लिए हुए हैं, और ये पिस्ता है, और ये 1 स्पून तिल है। सर्दियों में हमें इन्हें जरूर यूज करना चाहिए क्योंकि ये गर्म होते हैं। और ये है नारियल का खोपरा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपनी कढ़ाई में 1 स्पून घी डाल देती हूँ। तो देखिए मैंने ये देसी घी लिया हुआ है, अब ये अच्छे से इसे मेल्ट कर लूंगी। और अब हम इसमें डालेंगे अपने मखाने जो कि हमें रोस्ट करने हैं। तो अब हम अपने मखानों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए हम इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। मखानों को लोटस सीड्स भी कहा जाता है। इसमें मिनरल विटामिन भरपूर मात्रा में होता है और यह आपकी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। हमें ड्राई फ्रूट से काफ़ी बेनिफिट मिलता है अगर हम इन्हें यूज़ करते रहें तो। तो देखिए, जैसे कि आप देख चुके हो कि हमारे मखाने भुन चुके हैं। आपको इसे ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, यह 2 से 3 मिनट में भूनकर तैयार हो जाते हैं। तो देखिए हमारे दाल मखाने अच्छे से भून चुके हैं। यह आपको नॉर्मली ड्राई फ्रूट्स या फिर परचून की दुकान पर अवेलेबल मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इन्हें अपनी एक प्लेट में निकाल दिया है। और फ्रेंड्स, अब हम लेंगे ओट्स। ओट्स में काफ़ी फाइबर होता है और यह काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट भी होता है। इसे अगर सुबह के टाइम में खाया जाए तो आपका पेट भरा भरा रहेगा और यह आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसमें बहुत से ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं। इसे भी मैं थोड़ा थोड़ा भून लूँगी और इसका धीरे धीरे अपने आप ही कलर चेंज हो जाएगा। तो आपको 2 से 3 मिनट के लिए इसे भी इसी प्रकार भून लेना है। कढ़ाई आप इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सिल्वर की हो तो सिल्वर की भी ले लीजिएगा, या फिर आपके पास स्टील की हो उसे भी यूज़ कर सकते हैं, और नॉनस्टिक हो तो वो भी ले सकते हैं। क्योंकि आपको अपने ड्राई फ्रूट्स को बस अच्छे से भून लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी जब तक ये अच्छे से भुन नहीं जाता। ओट्स में काफ़ी बढ़िया ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। तो देखिए हमारे ओट्स भी धीरे धीरे भुन रहे हैं, आप देख सकते हो। और हमारी कढ़ाई में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जब यह भुनने लगेंगे तब इसमें से काफ़ी अच्छी खुशबू आने लगेगी। और आपको इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह भून लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे ओट्स भी भुन चुके हैं। अब हम इन्हें इसे भी अपने प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसके पहले जैसा इसका कलर था वैसा कलर नहीं रहा है, ये हल्के हल्का ब्राउन हो चुका है। या फिर एक कटोरी में इसे मैं निकाल लेती हूँ। एक बार इसे हिलाकर हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं और फिर से अपनी कढ़ाई को अपने गैस पर रख लेते हैं। और फ्रेंड्स, अब इसमें डालेंगे हम अपना गोले का बुरादा। इसमें काफ़ी चिकनाई होती है, आप जो मार्केट में अवेलेबल होता है उसे इसमें ना यूज़ करें, क्योंकि अगर घर पे ही आप गोले को क्रश करेंगे तो वहीं इसके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें काफ़ी चिकनाई भी होती है। तो देखिए हल्का हल्का मैं इसे भी भून लूँगी। इसमें आपको घी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए मैंने इसे हल्का हल्का भून लिया है। जो भी मैं इसमें इंग्रेडिएंट ले रही हूँ वह आपकी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद है और आपकी हड्डियों को तो मजबूत रखेंगे। साथ में अगर आपकी कमर दर्द है, आपकी आंखों की रोशनी कम, आपको आंखों से कम दिखाई दे रहा है, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है आपके शरीर में जिससे कि आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो आप इस नाश्ते को ज़रूर सुबह सुबह खाली पेट बनाकर खाइएगा। यह आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और आपके बच्चों के लिए भी। तो देखिए हमारा यह जो नारियल गोले का बुरादा है वो भी पक चुका है। अब मैं उसे भी एक प्लेट में निकाल लूँगी। आपको इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और अब नंबर आता है इसमें फिर से घी 1 स्पून घी डालने का।
फ्रेंड्स आप घबराइएगा मत, इसमें ज़्यादा घी बिल्कुल नहीं लगने वाला है। सिर्फ ये एक चम्मच घी मैंने और लिया है। अब और घी की इसमें आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि इसमें हमें अपने ड्राई फ्रूट्स भूनने हैं। तो अब हम ड्राई फ्रूट्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मैंने गुड़ों का खजाना जो हमारी सेहत के लिए काफ़ी भरपूर मात्रा में अच्छे होते हैं वो मैंने लिए हुए हैं बादाम। जैसे कि आपको पता है बादाम हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। और फ्रेंड्स ये मैंने लिए हुए हैं 1 स्पून काजू, इन्हें भी हम रोस्ट करेंगे। और ये हमने लिया हुआ है 50 ग्राम पिस्ता। और जैसे कि आपको पता है कि ये हमने अखरोट लिए हुए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं ये दिमाग को तेज़ करने में काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, तो ये भी मैं इसमें डाल लूँगी। और लास्ट और आखिरी इंग्रेडिएंट रह चुका है, ये है तिल, इन्हें भी मैं इसी में डालकर अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। तिल मैंने एक छोटी चम्मच लिया हुआ है। इन सभी चीज़ों को मैं इसमें डाल के अच्छे से रोस्ट कर लेती हूँ। तो देखिए ड्राई फ्रूट हमारे सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद तो होते ही हैं, साथ में ये हमारे सर्दियों में बीमारियों से भी बचाते हैं। अगर आप इन्हें सर्दियों के मौसम में खाएंगे तो ये आपके और आपके बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। घर में जो बड़े बूढ़े हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छे इंग्रीडियंट होते हैं। और जिस तरीके से मैं आपको ये नाश्ता बनाकर बता रही हूँ इस तरीके से, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे आपके बच्चे सर्दियों में घर में कोई भी मेंबर है सर्दियों में बीमारियों से दूर रहेंगे और आपको बार बार डॉक्टर के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे और उनके शरीर में काफ़ी एनर्जी आएगी और उन्हें दर्द तकलीफ से भी छुटकारा मिलेगा। तो देखिए अब मैं अपने ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा थोड़ा भून लेती हूँ। 3 से 4 मिनट के लिए मैं इन्हें इसी तरह भून लूँगी। और तिल सर्दियों में काफ़ी अच्छे होते हैं क्योंकि यह गर्म होते हैं, इन्हें अगर हम खाएंगे तो हमें खांसी जुकाम बुखार से हमें छुटकारा मिला रहेगा। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप उन्हें इस नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ड्राई फ्रूट कोई भी हो हमारी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तो देखिए मैं अब इन्हें भून लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हमने अपने ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से भून लिया है। आपको इन्हें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इतना ही काफ़ी है। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे भून चुकी हूँ। अब मैं अपनी गैस को बंद कर देती हूँ, इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए, कि हमें इसे मिक्सी में ग्राइंड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं अपने ड्राई फ्रूट्स को मिक्सी के जार में डाल लूँगी क्योंकि हमें इन्हें पीसना है और इसे पाउडर उसमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे ठंडा होने के बाद अपने मिक्सी के जार में डाल लिया है। आप इसे अगर एक बार में ना पीसे तो इसे निकाल कर 2 बार पीस लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी लग रही हैं। और ये मैंने जो दाल मखाने हैं वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। और अब मैं इसे करूँगी मिक्सी में ग्राइंड। आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से पीस चुका है। अब मैं इसे इस बाउल में निकाल लूँगी। इसे हम 2 से 4 महीने आराम से चला सकते हैं, 2-3 महीने के लिए बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। सर्दियों आप इसे बनाकर रखे रहिएगा। और फिर से मैं इसमें दाल मखाना डालूंगी और जो इसमें बची हुई है हमारे ड्राई फ्रूट्स और नारियल का बुरादा वो भी मैं इसी में डालकर थोड़ा सा इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। तो देखिए आप देख सकते हैं मैंने इसे भी अच्छे से पीस लिया है और इसे भी एक चम्मच के साथ ऐसे मैं निकाल लूँगी। तो देखिए मैंने इसे इस बाउल में निकाल लिया है और अब हमने जो ओट्स लिए हुए थे वे भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये बाउल अभी थोड़ा छोटा है तो इसलिए मैं इसमें बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ क्योंकि हमें इसमें और भी इंग्रेडिएंट मिलाने हैं, वे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो देखिए इन्हें मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा सा हाथ से, अगर आप मिक्स करना चाहो तो इसे हाथ से भी मिला सकते हो। हमने ये मखाने भी इसी में ऐड कर दिए हैं। अब आपको डालने हैं इसमें कुछ इंग्रेडिएंट जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे कि सर्दियों में अदरक गर्म होती है और हमारी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो ये मैंने अदरक का पेस्ट ले लिया है, इसे आप इसमें ज़रूर डालिएगा। और ये मैंने इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर है, इससे काफ़ी अच्छी खुशबू आती है और इलायची आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। और फ्रेंड्स अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी। हल्दी में बहुत से ऐसे गुण पाए जाते हैं जिससे कि वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, तो इसे तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा, हल्दी इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा।
तो मैं इसमें हाफ टी स्पून हल्दी भी ऐड कर देती हूँ। हल्दी में बहुत से ऐसे गुण पाए जाते हैं जिससे कि अगर हमें दर्द हो या फिर चोट वगैरह लगी हो तो अगर आप हल्दी लगा दें तो बहुत जल्दी खून भी रुक जाता है। और फ्रेंड्स, ये लिया हो हमने केसर के कुछ धागे, इसे भी हम इसमें ज़रूर ऐड करेंगी। हमारे नाश्ते में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको यह नाश्ता किस तरह और कैसे बनाना है। तो उसके लिए आपको 1 स्पून इस प्रकार लेना है। जितना भी आप अपना सुबह का नाश्ता बनाने जा रहे हैं, 2 से 3 चम्मच आप इसमें डाल लीजिएगा, क्योंकि इसमें जैसे कि आपको मैंने बताया इसमें ओट्स हैं और ओट्स फूलता है। अगर आप गाढ़ा बनाना चाहो तो इससे ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर थोड़ा सा पतला बनाना चाहो तो इसे आप कम ही यूज़ कीजिएगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ आपको इसे किस तरह और कैसे बनाना है। सबसे पहले मैं अब अपने गैस को चला लेती हूँ। कढ़ाई हम वही ले लेंगे जिसमें मैंने अपने तिल और ये सभी ड्राई फ्रूट्स भुने थे। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको इसे 3 से 4 कटोरी बनाना है तो आप इसमें 1 से 1.5 ग्लास दूध यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूध आपको कैसे लेना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। दूध आपको फुल क्रीम बिल्कुल नहीं लेना है, मलाई उतार के तब आप दूध का यूज़ कीजिएगा। तो देखिए, ये मैंने 1 ग्लास दूध लिया हुआ है और वो मैं इसमें डाल देती हूँ, और ये 1/2 ग्लास दूध। तो देखिए, ये मैंने 1 से 1.5 ग्लास दूध ले लिया है, और अब हम अपने गैस को चला देंगे। आपको इसमें 3 कटोरी या 4 कटोरी बनकर ये तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने इस पर दूध रख दिया है, अब मैं इसे बॉईल होने दूंगी। और जो भी हमने अपने इंग्रेडिएंट लिए हुए हैं, ये हमारे बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। इनमें बहुत से ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिससे कि हमारे पास पास कोई बीमारी नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, आप इन इंग्रेडिएंट को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। हल्दी को तो अगर वैसे भी आप रात के समय दूध में डाल के पी ले तो आपके लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आपका हेल्दी और बढ़िया मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। इसे आप एयर टाइट कंटेनर में डालें या फिर इसे ऐसे ही फ्रिज में रखें या फिर ऐसे ही बाहर रखें। 15 से 20 दिन के लिए बनकर तैयार हो चुका है। इसे आप खाली पेट सुबह के टाइम बनाकर नाश्ते को खाइएगा। तो फ्रेंड्स, यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद तो है ही, साथ में आपको हर बीमारी से लड़ने की ताकत देगा। आपको आपके आसपास भी कोई बीमारी नहीं आएगी। तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में डालकर रख दीजिएगा और 15 से 20 दिन के लिए इसे एंजॉय कीजिएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे किस तरह और कैसे बनाना है। उसके लिए मैंने लिया हुआ है, तो अब मैं आपको बताऊँगी इसे आपको कब और किस तरह और कैसे खाना है और किस तरह बनाना है। और फ्रेंड्स, अगर आप इसे दूध के साथ लेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा और आपकी सेहत में काफ़ी चेंजिंग आएगी। आप खुद ब खुद देखेंगी, बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, बच्चों की याददाश्त भी बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, देखिए, जितने आदमियों के लिए आप इसे बनाने जा रही हैं उतना ही आप इसमें दूध डाल लीजिएगा। अगर आप 2 कटोरी बनाना चाहते हैं तो 2 कटोरी दूध डालिएगा, अगर 3 बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 3 कटोरी दूध डालिएगा। और फ्रेंड्स, इसमें आप 1/2 कटोरी ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि अगर जब यह बॉयल होता है तो थोड़ा कम भी होता है। तो देखिए, अब मैं इसमें अपना ये मिक्सर, जो कि 100 गुणों का भंडार है, जितने आदमी के लिए आप बना रहे हैं उतने ही चम्मच डालिएगा इसमें। तो देखिए, मैंने ये 2 चम्मच डाल दिया है और ये अब जा रही है 3 चम्मच, और अब इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच। मीठे में आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं या फिर थोड़ा चीनी भी डाल सकते हैं, जैसे आप इसे खाना पसंद करें उसी तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, अब मैं इसे हिलाती रहूँगी ताकि ये नीचे की तरफ लगे नहीं, और आपका यह एनर्जी से भरा भरपूर नाश्ता बनकर तैयार हो जाए। तो देखिए, आप देख सकते हैं ये दिखने में भी कितना अच्छा दिख रहा है। तो धीरे धीरे मैं इसी तरह बॉईल होने देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने ये क्योंकि मैंने 4 कटोरी बनाकर तैयार किया है, अगर आप ज़्यादा बनाना चाहो तो इसमें ज़्यादा दूध भी डाल सकते हो। तो आपको इसी तरह इसे बॉईल करना है। यह प्रोटीन से भरा और भरपूर मात्रा में प्रोटीन से भरा है ये। इसमें बहुत से ऐसे प्रोटीन है जिससे कि आपका दिमाग तो तेज होगा ही, साथ में आपकी जो भी दर्द तकलीफ है, आपको अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है और अगर आपको डायबिटीज़ है, उन प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा दिलाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा ये नाश्ता, शीरा या फिर खीर, आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं, वो बनकर तैयार हो चुका है। इसमें 1 नहीं 2 नहीं, इसमें 100 गुणों से भरपूर नाश्ता है ये। आप इसे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यह आपके बच्चे, बड़े, बूढ़ों के लिए बनकर तैयार हो चुका है। अगर आप चाहो तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं या फिर मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें इस्तेमाल करने वाली हूँ गुड़ का, क्योंकि ये मैंने स्पेशल सर्दियों के लिए बनाया हुआ है।
लेकिन गुड़ गिरने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इसे बनाते बनाते बिल्कुल नहीं डालना है। सबसे पहले आप अपने गैस को बंद करेंगे और इसे थोड़ा सा गर्म होने के बाद ही आप इसमें गुड़ का उपयोग करेंगे। तो देखिए मैंने ये गुड़ ले रखा है, अब मैं इसमें गुड़ डाल दूंगी और अच्छे से इसे हिला दूंगी। अगर आप इसे थोड़ा पतला बनाना चाहते हैं तो आप इसे में इसमें ये जो पौष्टिक से भरा आहार जो हमने मतलब पेस्ट बनाया है, जो तैयार किया है यह पाउडर, और 100 गुणों से भरपूर जो पाउडर हमने तैयार किया है इसे आप थोड़ा कम डालिएगा। अगर आप इसे पतला बनाना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, और इसे थोड़ा गाढ़ा और खीर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ा कम डाल लीजिएगा। वो आपके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं कि आप इसे पतला बनाना चाहते हैं या गाढ़ा बनाना चाहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, गुणों से भरपूर हमारा यह पौष्टिक आहार बनकर तैयार हो चुका है। इसे आप अगर एक बार बनाकर खाएंगे तो आप इसे रोज़ाना बनाकर खाएंगे। ये खाने में तो स्वादिष्ट है ही, साथ में यह आपके बच्चे और बड़े बूढ़ों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इससे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ठीक होती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ठीक होती है, और जो माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है वो भी हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सबको घर में ज़रूर खिलाइएगा, यह बहुत पसंद आएगा। और सुबह खाली पेट चाय की जगह आप इसे ही बनाकर दे दीजिएगा। आप अपने बच्चों को और घर के हर फैमिली को मेंबर्स को इसी को खिला, फैमिली के हर मेंबर को आप बनाकर इसे ही दीजिएगा, यह आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो गुणों से भरपूर यह नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे डालेंगे अपनी कटोरियों में। तो देखिए ये मैंने 3 से 4 कटोरी ले रखी हैं। धीरे धीरे मैं अब इन्हें कटोरियों में डाल लूँगी। जो भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट डाले हैं वे सेहत के लिए आपके लिए काफ़ी भरपूर मात्रा में अच्छे हैं, तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपके बच्चों में कितने चेंजिंग आई हुई है, और यह आपके घर में बीमारियों को की बिल्कुल एंट्री नहीं होने देगा। तो गुणों से भरपूर यह नाश्ता आपका बनकर तैयार हो चुका है। आप इन्हें अपने बच्चों को सुबह उठकर ज़रूर खिलाइए। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएँ ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे।